वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय दिस वीडियोस। टुडेज आई एम टीचिंग टुडेज क्लास 12 फिजिक्स। टुडेज माय टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ तक कि हम लोग सभी लोग रेजिस्टेंस को पूरी तरह से जानते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हम सभी के लिए। बात ये आती है, रेजिस्टेंस तो एक ही होता है जो करंट का जो पाथ होता है, जिस वायर पे या जिस जगह पर करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को स्टॉप करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए जो भी फैसिलिटी लगाई जाती है, बनाई जाती है, वहाँ पर हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। पर बात यहाँ पर यह है कि रेजिस्टेंस तो ठीक है, रेजिस्टेंस तो हम लोग समझ गए, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स जो आपका करंट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सेल हो गया, सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड से हम करंट ले रहे होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टू टर्मिनल लगे हुए होते हैं, और इस टर्मिनल यानी उस सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लो भरा होता है, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं कि कोलाइड भरा हुआ है, वो लिक्विड जो फिलअप होता है जब करंट फ्लो होता है उस टाइम पे क्या होता है, करंट फ्लो होने के दौरान वो लिक्विड जो है हमारा फ्लोएशन कर रहा होता है, और वो लिक्विड फ्लोएशन करने के टाइम पे उसके पाथ पर, उस लिक्विड के पाथ पर कुछ ब्रेकर्स आते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उनके बीच में कुछ ऐसी मीन्स पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि आगे नहीं चल पाता, या करंट को यहाँ से वहाँ तक चलने में कुछ टाइम लग जाता है। यहाँ पर हम उसी ब्रेकर्स को, उसी पार्टिकल्स को हम इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जान रहे होते हैं। और जनरली फिजिक्स में इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इंटरनल आर से, यानी कि स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरह से जानेंगे। पहला तो ये होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो यही लगेगा। और यदि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रिलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो रिलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर विथ ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड फ्लोइंग करंट आई। यहाँ पे चार चीज़ें हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस एक हो गया, ईएमएफ सेकेंड हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस वी, और इसके बाद फ्लोइंग करंट आई। चार चीज़ें हैं, इन चारों में रिलेशन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हम पहले एक डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये एक मैंने सेल बना दिया, है ना। डायग्राम की कोई ज़रूरत तो है नहीं, पर यहाँ पर हम समझने के लिए जान सकते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वायर लगा दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, कैपिटल आर, स्मॉल आर और ई, ठीक है। और जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा वो होगा आई, और यहाँ पर आप एक चाहें तो एक की लगा सकते हैं, ये की हो गया। इस तरह से डायग्राम होगा, इनमें हमें रिलेशन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारा ओमला होता है, ओमला हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, यानी कि आई इज इक्वल टू ई का मतलब ई एम एफ अपान आर का मतलब रेजिस्टेंस है। तो ई एम एफ यानी टोटल ई एम एफ, और आर का मतलब रेजिस्टेंस यानी कि टोटल आर। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू ई अपान, इसको आप कह सकते हो टोटल ई एम एफ अपान टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप अगली लाइन पे आप लिखेंगे टोटल ईएमएफ को आप लिखेंगे कैपिटल ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। तो यहाँ पे ई अपॉन आर प्लस आर, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। यहाँ पे आप इसको इन इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से हमें पता है आई इज इक्वल टू ओम्स लॉ में आई इज इक्वल टू वी अपान आर,
इक्वेशन नंबर टू। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू को दोनों इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में भी आई की वैल्यू से है और इक्वेशन सेकेंड में भी आई की वैल्यू से है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज आई की हैं, यानी कि अगर आप कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट में भी वैल्यू सेम होगी। मीन्स ई अपॉन आर प्लस आर प्लस वी अपॉन आर, ये चीज़ आ गई। सॉरी यहाँ इक्वल करिएगा, कंपेयरिंग में राइट साइड इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आप देखें आपको चाहिए क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किससे लिख रहे हैं, स्मॉल आर से, यानी स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए। बाकी सबको आप ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। आर प्लस आर इंटू वी इज इक्वल टू ई आर। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, आर वी प्लस स्मॉल आर वी, ई आर को आप ट्रांसपोज करोगे माइनस ई आर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, स्मॉल आर तो यहाँ पे है, स्मॉल आर वाला जो फैक्टर है उसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आर वी माइनस ई आर इज इक्वल टू आर वी, ऐसा होगा। अब स्मॉल आर इज इक्वल टू की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप कॉमन कर लो, कॉमन क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वी माइनस ई, वी माइनस ई, और ये स्मॉल आर के साथ में वी है, अगर ट्रांसपोज कर रहे हो तो अपॉन वी बनेगा। तो ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया। आप इसको ये भी कह सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे आप समझें, आप इसको कह सकते हैं ये क्या चीज़ आ गया है, ये आ गया है इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू वी माइनस ए, वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ए अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ये आपका रिलेशन है। और अगर हम इसको, इसका मतलब दूसरा भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं। दूसरा रिलेशन निकालने के लिए आप सिंपल हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आप अगर देखें, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को आप देख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, है ना। तो यहाँ से आप ऐसा करें कि ई की वैल्यू निकाल लें, फर्स्ट वाले इक्वेशन से ई की वैल्यू निकाल लीजिए। ई की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर आप वी की वैल्यू, जैसे कि हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट आपको बताना चाहेंगे, आप यहाँ पे देखिए दूसरा रिलेशन कैसे निकालेंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन को आप देखें, फर्स्ट इक्वेशन है आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ऐसा है फर्स्ट इक्वेशन हमारा, इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से हम ई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ऐसा होगा, है ना। देयर फोर ओमला से होता है वी इज इक्वल टू आई आर, यानी आई आर की वैल्यू वी हो जाएगी, तो ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। आप इस तरह से भी रिलेशन बता सकते हैं, आई आर वी प्लस आई आर, ये ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है। तो ये भी एक आपका रिलेशन हो गया, इसको आप ट्रांसपोज करके दूसरी तरह से लिख सकते हो। अगर वी की वैल्यू लिखना है तो वी की वैल्यू आप लिखने के लिए वी इज इक्वल टू लिखोगे तो ई माइनस आई आर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसमें कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करने होंगे। पहला तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और दूसरा टोटल रेजिस्टेंस याद रखिएगा। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमारा जो डेरिवेशन है, हम इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लिख रहे हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू भी रखिएगा आप, ठीक है, और इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, थैंक्स।